पानीपत में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कैंटर ने ओवरटेक करने के चक्कर में पवन नाम के एक बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैंटर पवन को करीब 50 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया, जिसके बाद पवन की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं पवन के पीछे ही बाइक पर आ रहे उसी के गांव के दीपक नाम के युवक ने हादसा अपनी आंखों के सामने देखा। दीपक ने बताया कि उसी ने ही एम्बुलेंस और पुलिस को हादसे के बारे में जानकारी दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पवन के शव को कब्जे में लेकर पानीपत के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वो ना मेरे सामने से जा रहा था, हम पानीपत की तरफ से ना गाँव की तरफ जा रहे थे, और हमारे सामने डॉक्टर साहब भी थे जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो हमारे सामने से एक ट्रंक आ रहा था, वो अपनी साइड में रॉन्ग था ट्रंक वाला, और हम स्पीड थी हमारी बाइक की 60 के आसपास ही बाइक थी हमारी, और उनकी भी साथ में थोड़ी आगे आगे था, ठीक है। और एक ट्रंक ना ओवरटेक कर रहा था गाड़ी को, स्विफ्ट गाड़ी थी, उसको ओवरटेक करके सामने से आ रहा था, तुरंत एक्सीडेंट हो गया था उन्होंने एकदम से ठोका। अच्छा, जिनका एक्सीडेंट हुआ क्या नाम था उनका? उनका नाम पवन कुमार। अच्छा, वो आपसे आगे बाइक पर चल रहे थे? हाँ हाँ। आपने बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखा? हाँ, मेरे सामने ही हुआ था। डॉक्टर साहब थे वो? हाँ जी, डॉक्टर जी थे। अपना क्लिनिक चलाते हैं? हाँ, गांव में इनका क्लिनिक अपना। अच्छा, तो क्या देखा आपने वहाँ पे जब एक्सीडेंट हुआ? देखा था मौके पे तुरंत ही हाथ पैर बिल्कुल ही, सोचा था कि देख लें एक बार है कि नहीं सांस उस, तो कुछ नहीं था। घसीटते हुए भी लेके गए? हाँ, घसीटा था उन्होंने, काफ़ी दूर घसीटा और फिर काफ़ी दूर जाके फेंका उसने। और कितने मीटर तक घसीटते हुए लेके गया? ये कुछ 10-12 मीटर। 10-12 मीटर? हाँ जी, 10-12 मीटर। हाँ, काफ़ी देखा आपने? 50-60 मीटर है। चल जो भी, हाँ, ट्रंक के निशान है ना वहाँ, ट्रंक के निशान भी है। हाँ, 50-60 फुट हो गया ना। उसे गाँव के रहने वाले? रेर कला। कितने बजे की बात है? 3 बजे के आसपास। 3 बजे के आसपास? हाँ जी। ये कौन से गांव में जा रहे थे? रेर कला। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? ये गांव सिठाना के पास, सिंह परस थाना। उम्र कितनी होगी इनकी? इनकी यही 30-32-34 इतने के आसपास ही है। ये पवन कुमार गांव में डॉक्टरी का काम करे था जी। ये अपने रूटीन में पानीपत से गांव रेर कला जा रहा था, जब ये लगभग समय 3 बजे के करीब जब सिंह परस थाना के पास पहुँचा, तो सामने से एक कंटर जो अपनी गफलत लापरवाही चलाता हुआ आया और इसको सीधी टक्कर मार दी जी, और इसको घसीटता हुआ आगे ले गया। तो राहगीरों ने, मेरे गांव के दीपक, तो उसने इसको मौके पर था तो इसने वहाँ पहचाना, इसने एम्बुलेंस बुलाई और पुलिस वाले को फ़ोन करके, और फिर उस डेड बॉडी को यहाँ पहुँचवाया जी। तो एक्सीडेंट उसने कंटर वाले ने अपनी लापरवाही से कराया जी। पवन कुमार अपने बाप का इकलौता लड़का था जी, आगे उसका भी कल्ला लड़का, तो 34 साल के लगभग पवन कुमार की उम्र थी जी, बच्चा भी छोटा 7-8 साल का होगा, तो परिवार को काफ़ी बड़ी समस्या पैदा होगी जी। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग? हम तो पुलिस से ये करें, वो जो जिसने भी एक्सीडेंट लापरवाही के कारण कराया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाए, और अपना इसका पोस्टमार्टम करा कर इनको डेड बॉडी अपना ले जाए। क्या नाम है और है जी? क्या नाम है जी आपका? मेरा शीशपाल, एक्स सरपंच रेर कला जी। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद कैंटर चालक कैंटर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। बता दें कि मृतक रेर कला गांव का रहने वाला था, गांव में ही एक क्लिनिक चलाता था। पवन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और 34 वर्षीय पवन का भी एक 7 साल का बेटा है। हादसे के बाद पवन के घर में मातम पसरा है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब की सुटीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।